Finding your passion. How to identify your interest for choosing a college major. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, अपनी रुचि को पहचाने, कॉलेज में मेजर चुनने के लिए मार्गदर्शन। अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि कौन सा कोर्स चुने, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर वन पर आता है आत्म अवलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला कदम है आत्म अवलोकन। खुद से पूछें, आपको क्या पसंद है, किन चीज़ों में आपकी रुचि है, क्या आपको लिखना पढ़ना, गणित, विज्ञान या आर्ट पसंद है। इसको करने के लिए आपके पास एक बेहतर तरीका है, एक नोटबुक लीजिए और अपनी पसंद और नापसंद को लिखिए, इससे आपको एक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। नंबर टू, रुचि का अन्वेषण, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट। अब अपनी रुचि को गहराई से समझने के लिए विभिन्न गतिविधियों को अजमाएं। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो कुछ फोटोशूट करें, अगर आपको लेखन पसंद है तो ब्लॉगिंग करना शुरू करें। यह अनुभव आपको स्पष्ट करेगा कि कौन सी चीज़ें आपको वास्तव में पसंद है और आप उनमें बेहतर हैं। नंबर तीन, सलाह लें, सीक एडवाइस। अपने परिवारजन, दोस्तों और शिक्षकों से सलाह लें, वे आपकी क्षमताओं और रुचियों को पहचानने में मदद कर सकते हैं। कभी कभी बाहरी दृष्टिकोण हमारे अंदर की संभावनाओं को समझने में मदद करता है। नंबर चार, करियर ऑप्शन को समझें, अंडरस्टैंड करियर ऑप्शन। अपनी रुचियों के आधार पर विभिन्न करियर ऑप्शन को समझें, जाने कि कौन से कोर्स आपके लिए सही हो सकते हैं और वह किस प्रकार के करियर में बदल सकते हैं। अब आखिरी में बात करते हैं नंबर पाँच की, छोटी शुरुआत करें, स्टार्ट स्मॉल। आप जो भी करियर ऑप्शन चुने उसकी छोटी शुरुआत करें, इंटर्नशिप, वर्कशॉप या पार्ट टाइम जॉब से अनुभव लें, यह अनुभव आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। दोस्तों, अपनी रुचियों को पहचानना और सही कॉलेज मेजर चुनना एक महत्वपूर्ण कदम है। याद रखें, यह आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा फैसला है, इसलिए इसे सोच समझ कर लें। उम्मीद है कि यह टिप्स आपके लिए सहायक साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहती हैं। धन्यवाद।